पंजाब में आढ़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और यह हड़ताल अब अनिश्चितकालीन मंडियों में धान की खरीद को बंद कर दिया है। वहीं पंजाब भर के आढ़तियों ने 25 सितंबर को मोगा मंडी में एक विशाल रोष प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की गई थी कि उनका पिछला बकाया कमीशन दिया जाए और सरकार ने कोविड के समय में आढ़तियों का कमीशन धान पर 9 रुपये और गेहूं पर 10 रुपये कम किया था, उसको दोबारा से लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने 15 दिन बीत जाने के बाद भी आढ़तियों से कोई बात नहीं की। अगर सरकार ने पिछला बकाया कमीशन नहीं दिया तो हड़ताल जारी रहेगी। रोष प्रदर्शन तो पिछले 3 महीने तो लगातार जारी है जी। कदे असी धरने बैठते हैं, कदे असी रैली करते हैं, कदे सानू चंडीगढ़ बुलाया जाता है, पर कोई गल सिरे नहीं लग रही। और मैनू लगता है भी अज सारे पंजाब ने तैया करके आढ़तियां ने अज जिहड़ी बंद की कॉल दिती है और पूरा पंजाब अणमिथे समय लई बंद किया गया है। इहदे नाल सरकार नू सेक भी लगेगा, असी समझते हैं कि सेक भी लगेगा और पूरी मंडियां दे अंदर आढ़तियों के प्रति थोड़ा माहौल भी बनेगा। पिछले दिन भी 25 तरीक नूं मोगा विखे पंजाब भर के आढ़तियों की रैली हुई सी, जिथे कि 12-13 हज़ार आढ़तियों ने शिरकत की। पर सरकार कोलों बहुत लम्मा चिर हो गया साढ़े हकों की लड़ाई जिहड़ी असी मंग रखी सी। पहली ये सी भी जिहड़ी ऐतकी सीजन 2023-24 कणक सैलो च गई है उहदी मोगा मंडी नूं दामी नहीं मिली, जिहड़ा सरासर धक्का है साढ़े दे गौरमेंट का धक्का, यह एफ सी का धक्का। असीं उह दामी दे हकदार हैं और दूजी कोविड तो लैके साडी जिहड़ी दामी है वह 2.5% तो 46 रुपये क्विंटल कणक की फ्रीज करती।